अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में कस्टम एजेंटों ने पोटैटो केन से तीन जिंदा किंग कोबरा सांप बरामद किए। इनको तस्करी कर लाया गया था। यूएस अटॉर्नी ऑफिस की ओर जारी एक बयान में जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस मामले में एक शख्स रोड्रिगो फ्रेंको को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दो फीट लंबे तीन कोबरा के अलावा तीन चीनी कछुए भी बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक पैकेट में इन सभी जीवों को हांगकांग से भेजा गया था। रोड्रिगो फ्रेंको को पकड़ने के लिए कस्टम एजेंटों ने कोबरा वाले तीनों के इनको हटाकर कछुए वाले पैकेट उसके घर भेज दिए। जब उसने इन पैकेटों को रिसीव कर लिया तो कस्टम अधिकारियों ने सर्च वारंट लेकर उसके पूरे घर की तलाशी ली।